दरबार साहिब जा रहे हैं, तो सर ढका ढका रहेगा तो सही है, लेकिन इस औरत का बिल्कुल सर ढका नहीं है। अरे अभी ढक रहे, अभी ढक रहे, एक जालिम औरत है। जालिम तुम्हें कमरा दिला दिया ना। हाँ, हमें रूम मिला, बहुत अच्छा शू हाउस आ गया, देखिए तो सुंदर है शू हाउस। चलो अब यहाँ शूज, कोई हाथ नहीं लगाएगा जूतों पे, कह दे ठीक छो। तो यहाँ पर हम गुरुद्वारे पहुँच चुके हैं और देखो कितना सुंदर नज़ारा है ये। एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतना पीस और बिल्कुल सुकून लग रहा है ना कि बस यहीं पे बैठ के ये पानी देखते रहे, है ना, कैसा लग रहा है? हाउ इज योर फीलिंग? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है ना। बैठ रहेंगे अब हम इधर से, साफ हमने खाली लिया, हम इधर से बोलो लो, यहाँ से साफ आ रही है, कैसा लगा आपको बताओ? पीसफुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी रात कोई गुजार सकता है बैठे बैठे, तो आज लोग यहीं पर बैठेंगे और हम सोने जाएंगे। पर बाय गॉड गाइस, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है यहाँ पे, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मैंने आते ही जैसे एंटर किया ना, आह हा, मेरा जी ऐसा ही लग गया। तो हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, बहुत सुंदर लग रहा है यार, इतना सुंदर कैसे लग सकता है कुछ। तो मेरे सगे साथी कहाँ भाग गए हैं पता नहीं। तो गाइस सुबह के लिए अभी से लाइन लग चुकी है, हम तो ये सोच रहे हैं कि वापस रूम पे जाना है, यहीं रह जाते हैं ना, लेकिन एक घंटा सोना भी ज़रूरी है। रात के 1:30 बजे हम आए लंगर खाने, बहुत ही स्वादिष्ट था। क्यों रात के 1:30 बजे हम लंगर खाने आए? तो गाइस लंगर कभी सुन, नीलम मैम के साथ क्या हुआ? एक पंजाबी औरत ने बोला कि पौड़िया कितने आएगी, पौड़िया कितने आएगी, तब तक नीलम मैम ने कहा पौड़ी मेरे को नहीं पता, मैं पहली बार आ रही हूँ, मैं भी यहाँ पे, मुझे पता ही नहीं था पौड़ी सीढ़िया, पौड़िया मतलब सीढ़िया, बाद में नीलम मैम पौड़िया मतलब सीढ़िया। अच्छा तो गाइस ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, तो पौड़िया मतलब सीढ़िया, ठीक है, इन्हें पंजाबी तो सानू आंदी है क्योंकि असी भी रहे हैं पंजाबी दे कोल, साड़ी भाभी हैगी मिठी, मिठी भाभी आई मिस यू। तो और हम लंगर खा के आ गए हैं, बहुत यम था और सच में मन तृप्त हो गया। तो अब हम रूम पे जाएंगे, रूम के बाद हम सुबह आएंगे यहाँ दोबारा, तो अब रूम पे जाके हम सोएंगे थोड़ी देर, मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। तो रात को 2 बजे जाते जाते दिख गया हमें ये फास्ट फूड का ठेला जिसमें थे गरम गरम मोमोज, तो हमने सोचा चलो हम इनका मज़ा ले लेते हैं, यम यम। 2 बजने वाले, तो 2 बजने वाले और हम अब पहुंच रहे हैं घर, मतलब रूम पे, रात हो गई है और हमें सुबह फिर जाना है, तो
हमने एक्चुअली हमें लेट इसलिए हुआ, हम वहाँ से लंगर खा के तो आए, फिर बीच में इस जुवा को मोमोज बहुत पसंद आ गए थे, लेकिन वो मोमोज बिल्कुल अच्छे नहीं थे, हमें मोमोज खाए। क्या झूठे, खुद ने खाए? हाँ तो मैंने, हमने तो बोला, तूने नहीं खाए बस, बाकी हम सब ने तो खाए। तो अब हम सोएंगे और सुबह 3 बजे उठेंगे, 1 घंटा सोना है। सब थक हार के इसको उठा दो, इसको उठा दो। गुड मॉर्निंग, कहीं खींच तो अंदर रह गया। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह के कितने बज रहे हैं? 3 सुबह के कितने बज रहे हैं? 3 3 बज रहे हैं? नहीं बज रहे हैं, 3 सुबह के 5:30 हो रहे हैं। और इस औरत, ये औरत 3 बजे से उठी नहीं, हम इस चुड़ैल औरत को 3 बजे से उठा रहे थे और इसने मेरी जिंदगी आराम कर रखी है इस चक्कर में। तो 5:30 हो रहे हैं, हमें लेट ऑलरेडी हो चुका है। तो हम जा रहे हैं दरबार साहिब, सुबह सुबह बहुत लेट हो गया, अब हमें झंडा साहिब के दर्शन तो होंगे नहीं, लेकिन फिर भी चलो लेट्स गो। धन्यवाद। सेंटर में ले लिया, सही है। एक ये क्यों पहन कर आई हूँ मैं, ये इतना मोटा स्वेटर जैसी पहना है मैंने। देखो मेरे से एयरपोर्ट पे कैसे रात से क्या देखूँ मैं इसमें, उजड़ा चमन हो रखा मेरा। तू ये मैं आपको नहीं कह रही, मैं फोटो खींच ले। हमने तो, मैंने तीसरी बार लिया है ये प्रसाद, मैंने 3 बार लिया कड़ा प्रसाद, मुझे बहुत पसंद है। एक बार गई, फिर दूसरी बार गई, फिर तीसरी बार गई। अरे बेटा प्रियु,
अरे वाह फिश। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से गुरुद्वारे से वापस। अब देखते हैं हम हमारी दूसरी डेस्टिनेशन कौन सी होगी। कहाँ गए रहो? होंगे कहीं ना कहीं। लेट्स गो। अब हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं।